जय हिंद ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरियल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। इस लेसन में हम टाइम एंड वर्क चैप्टर के लेसन नंबर 6 की स्टडी करेंगे। इस लेसन की स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बेटा, क्यों जितनी भी वैरायटी मैं कराऊंगा, ये सभी वैरायटी मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे वो रेलवे का मेंस हो, चाहे वो एसएससी का मेंस हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर का मेंस एग्जाम हो, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करिए, बहुत ध्यान से नोट्स बनाइए और बहुत अच्छी अप्रोच जो मैं सिखाऊंगा उस पर आप फोकस करिए। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको इस चैप्टर के ऊपर एक वर्कशीट प्रोवाइड करूँगा, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक को आप ओपन करिए और डाउनलोड करिए वहाँ से वर्कशीट, और उस वर्कशीट को आप सॉल्व करिए। फिर भी आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने में, तो डेफिनेट है आई विल हेल्प यू। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का यह लेसन। स्टार्ट हो रहा है टाइप नंबर 12 से। जी हाँ, लास्ट लेसन तक हम टाइप नंबर 11 कंप्लीट कर चुके थे, यह लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं टाइप नंबर 12 से। टाइप नंबर 12 बेटा बहुत ही लेंथी अप्रोच कही जाती है इसकी, क्योंकि सम ही इतना बड़ा है और लेंथी है, तो आप बहुत ध्यान से इस सम को समझिएगा। मैं आपको बहुत अच्छी अप्रोच बताऊंगा, इक्वेशन अप्रोच बताऊंगा, हम इक्वेशन बनाएंगे देन इक्वेशन को अरेंज करेंगे। तो सम कैसा आता है, पहले आप सम देख लीजिए, रीड कर लीजिए, देन मैं आपके सामने उसको प्रोवाइड करता हूँ सॉल्यूशन के साथ। चलिए, तो सम आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि दो पुरुष और तीन लड़के किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि तीन पुरुष और दो लड़के उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो दो पुरुष और एक लड़का मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ बॉयज दिए गए हैं, सेकेंड स्टेटमेंट में भी वही दिया है, परंतु उन्हें कुछ नंबर ऑफ पर्सन चेंज कर दिए हैं। थर्ड कंडीशन, थर्ड स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा रहा है, जिसका आंसर हमको फाइंड करना होगा। तो इनको हम कैसे अरेंज करेंगे, तो देखिए उसके लिए पहला स्टेटमेंट दिया था, यदि दो पुरुष और तीन लड़के किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो हमने लिख लिया दो पुरुष तीन लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। क्लियर? इसी काम के लिए हमने क्या किया, सेकंड स्टेटमेंट में तीन पुरुष और दो लड़के ले लिए, तीन पुरुष और दो लड़के उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, देखिए 8 दिन में पूरा करते हैं। क्लियर? अब पूछा जा रहा है आप सभी से, दो पुरुष और एक लड़का कितने दिन में उस काम को पूरा कर पाएगा। मैंने आपको फर्स्ट लेसन में बताया था और लास्ट लेसन में देखा था हमने, मैन इनटू डेज कहने पर वर्क डन निकल आता है, तो मैन इनटू डेज तीनों कंडीशन में एक ही काम हो रहा है, सेम काम हो रहा है, तो वर्क डन इनका आपस में क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। इतना क्लियर है? आप दिए गए सम को इस इक्वेशन में अरेंज कर सकते हैं इजी। अब हम क्या करेंगे, हम पहले इन दो का पेयर बनाएंगे और पर्सन के बीच में रिलेशन बनाएंगे। यहाँ पे दो पर्सन है, कुछ पुरुष और कुछ लड़के, देन हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो चलिए मेरे साथ सॉल्व करिए, पहले सम को बहुत अच्छे से देख लीजिए आप, देन आप इसको सेल्फ ट्राई करिएगा। पहले हमने इन दो का पेयर बनाया, तो हमने देखा यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, 20p प्लस 30l इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, 24p प्लस 16l। 20p इस साइड आके माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 4p। 16l माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे, 14l। इतना क्लियर है? इट मीन्स आपके पास एक रिलेशन आ गया है, 14 लड़के और 4 पर्सन मतलब 4 पुरुष आपस में इक्वल काम करते हैं, ये हमारे पास संबंध आ गया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमने क्या देखा, मल्टीप्लाई करने पर पहले मैं दिखा देता हूँ, 3p प्लस 2l ब्रैकेट में कितना हमारे पास, मल्टीप्लाई 8 से इक्वल्स टू 2p प्लस 1l ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई प्रश्नवाचक जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब
यहाँ पर हमको पता चला चार पुरुष किसके इक्वल हैं, 14 लड़कों के इक्वल हैं या 14 लड़के चार पुरुष के इक्वल हैं। यहाँ से हम एक पुरुष की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या कितने एल की, एक लड़के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे यदि हम एक पर्सन की वैल्यू फाइंड करना चाहें एक पुरुष की, तो चार को उसके डिनोमिनेटर में लाना होगा, तो कितना हो जाएगा 14 एल अपॉन कितना हो जाएगा 4, 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना 7, तो हमारे पास आ जाएगा 7L/2। ये वैल्यू किसकी निकल आई हमारे पास, एक पुरुष की वैल्यू निकल आई। क्लियर, ये वैल्यू अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलिए पुट कर दीजिए, तो 3 में कोई चेंजेस नहीं, P की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 7L/2 कितना 2 प्लस कितना पहले से 2 और ब्रैकेट के बाहर कितना लगा हुआ है मल्टीप्लाई 8, यहाँ पर 2, P की वैल्यू कितनी आ चुकी है देखिए आप 7L/2 कितना है 2 प्लस 1L और ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है मल्टीप्लाई, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इतना क्लियर है, यदि इतना सभी को क्लियर है तो अब हम इसको इजी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पूरी इक्वेशन हमारे सिंगल वेरिएबल मतलब एल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। चलिए मल्टीप्लाई कहते हैं तो कितना हो जाएगा 21L/2 कितना है 2 प्लस 2L मल्टीप्लाई कितना है 8 इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, 7L/1L कितने हो जाएंगे 8L मल्टीप्लाई प्रश्नवाचक। इतना क्लियर है, यदि इतना सभी को क्लियर है तो हम इसको अरेंज करते हैं आगे। मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा 2 2 4L, 4L/21L कितने हो जाएंगे 25L/2 कितना है 2 मल्टीप्लाई किसका हो रहा है 8 इक्वल्स टू 8L मल्टीप्लाई प्रश्नवाचक। तो L से L क्या हो गया कैंसिल, 8 से 8 क्या हो गया कैंसिल, प्रश्नवाचक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 25/2 और यदि प्रश्नवाचक की वैल्यू 25/2 आई है इट मीन्स आंसर भी क्या आ गया हमारे पास 25/2 और मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 12.5, इट मीन्स आंसर क्या जाएगा 12.5 days लगेंगे और यह काम दो पुरुष एक लड़की के द्वारा कंप्लीट हो जाएगा। कितने सिंपल तरीके से हमने अरेंज किया है, पेयर बना के सॉल्व किया है और हमने आंसर फाइंड किया है। बेटा सबसे ईजीएस्ट अप्रोच इस टाइप के सम को कहने की यही होती है, क्योंकि इसके अलावा जितने भी अप्रोच होती हैं वो थोड़ी और भी लेंदी हो जाती है। एक अप्रोच होती है जिसको हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं, जिसे हिंदी में विलोपन विधि कहा जाता है, परंतु वो थोड़ी सी लॉन्ग लगती है मुझे इससे भी, इसलिए मैं आपको इस फॉर्म से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप इसको कर सकते हैं बस सेल्फ ट्राई, मैं एक और सम इसी बेस पे करा रहा हूँ तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो इसी के बेस पर जो सेकेंड सम है उसको आप पहले बहुत ध्यान से देखिएगा हम उसको कैसे अरेंज करते हैं, कैसे ईजी वे में इसी तरह उसको अरेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकेंड सम इसका आपकी स्क्रीन में आने वाला है, बस मैं रफ कर दूं फिर आ जाएगा। चलिए तो सेकेंड सम क्या कह रहा है देखिए स्क्रीन पर, यदि 3 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं, मैं साथ साथ लिख लेता हूं टाइम बचेगा आप सभी का, 3 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं देखिए 5 दिन में कर सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, 4 पुरुष और 6 महिलाएं, 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकती हैं देखिए कितना दिया है सब में 4 days। अब पूछा क्या जा रहा है आप सभी से, 10 महिलाओं के द्वारा यही कार्य कितने दिनों में हो पाएगा, यही कार्य मतलब कि तीनों कंडीशन वर्क डन कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम बीच में साइन क्या ले लेंगे, इक्वल का साइन ले लेंगे, बस बन गया आपके पास स्टेटमेंट। अब हम इसको सिंपल तरीके से अरेंज करते हैं, तो पहले हम इन दो का पेयर बनाएंगे, तो इन दो का पेयर जब बनाएंगे तो हम देख सकते हैं मल्टीप्लाई करने पर 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15P प्लस 7 का मल्टीप्लाई 35M इक्वल्स टू 4 से मल्टीप्लाई 16P, 4 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 24M। क्लियर इतना, अब 15P इस साइड आके माइनस हो गया क्या बचेगा 1P और 24M इस साइड आके क्या बचेगा हमारे पास देखिए कितना बचेगा 11M।
बचेगा ना 11m, 25, 24 माइनस हो जाएगा 35 से, कितना बना लेगा 11m। तो आपके पास 1p की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 11m आ चुकी है, मतलब 1% 11 मैन के इक्वल है। क्लियर? आगे अब हम क्या करेंगे, इन दो को सॉल्व करते हैं। तो इन दो में क्या लिखा है, पहले से 4p प्लस 6m मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, 4 से, इक्वल्स टू 10m। और प्रश्नवाचक की वैल्यू मल्टीप्लाई समय आपको फाइंड करना है। क्या मैं 1% की वैल्यू 11m पुट कर सकता हूँ सीधा सीधा, यहाँ पे तो सीधा सीधा आ चुका है। तो 1p की वैल्यू में जैसे 11m पुट की, तो ये 4 पहले से था, यहाँ पे हो जाएगा 11m प्लस 6m पहले से है, मल्टीप्लाई किसका हो रहा है यहाँ पे 4 से, इक्वल्स टू 10m मल्टीप्लाई प्रश्नवाचक पहले से है। 11 4 से कितना हो जाएगा 44, 44 प्लस 6 कितना हो जाएगा 50m मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 10m मल्टीप्लाई प्रश्नवाचक, m से m क्या हो गया कैंसिल, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 4 5 से कितना हो गया 20, और प्रश्नवाचक की वैल्यू कितनी आ चुकी है 20। इट मींस आंसर क्या बनेगा, 20 डेज लगेंगे और 10 महिलाएं उसी कार को क्या कर पाएंगी, कंप्लीट कर पाएंगी। आप सभी देख सकते हैं कितने सिंपल तरीके से हमने अरेंज करके और सिंपल अप्रोच से आंसर निकाला हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट समय बेटा ये मेंस एग्जाम के लिए, थोड़ा सा टाइम टेक करना है, परंतु मैं श्योरली कह सकता हूँ आप सभी को, यदि आपने इसके 4-5 सम की प्रैक्टिस कर ली, मैंने वर्कशीट में भी इस टाइप के सम आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आपने यदि इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपकी ये जो प्रोसेस है बहुत स्पीड में फास्टली कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट वैरायटी की, नेक्स्ट टाइप की ओर। अब जो वैरायटी हम सॉल्व करने वाले हैं, इस वैरायटी को हम एक टैग दे सकते हैं, एक नाम दे सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि जब हम नंबर ऑफ पर्सन से काम करवाते हैं तो हमें उनको मजदूरी देनी होती है, तो मजदूरी को हम किस बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करें, जिस बेस पर दी जाती है वो हमसे पूछा जाता है। इट मीन्स मजदूरी मतलब इंग्लिश में वेजेस, वेजेस को हम कैसे दिया जाता है, कैसे वो आपस में बांटते हैं, किसको कितना हिस्सा मिलता है, इस टाइप के सम जो जनरेट होते हैं। तो इस सेक्शन को हम दो अप्रोच से सॉल्व करेंगे। एक पैटर्न होता है जहां पर हम वेजेस को डेज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिस पर्सन ने जितने दिन काम किया हम उसको उतनी सैलरी या उतना वेजेस, उतनी मजदूरी देंगे। एक तरीका होता है हम पूरे काम का ठेका दे देते हैं, पूरे काम का क्या दे देंगे, ठेका दे देंगे, फिर जिस पर्सन की जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी वो उस हिसाब से उस वेजेस में से अपना हिस्सा लेगा। क्लियर? तो इसका जो पहला सम है वो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तो आप बहुत ध्यान से रीड कर लीजिए। कैपिटल ए एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। एक पर्सन दिया हुआ है हमारे पास कैपिटल ए, वो कैपिटल ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, फर्स्ट लाइन में दिया गया है। सेकेंड लाइन दी गई है बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। सेकेंड पर्सन है बी, वो उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे कहानी दी गई है हमको सी की मदद से, सी की हेल्प से वो काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कोई काम को जब इनने सी की हेल्प से करना चाहा तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो गया, 5 दिन में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया विद द हेल्प ऑफ सी। फिर बोला जा रहा है इसमें यदि वो 240 रुपये कमाती हैं, काम समाप्ति पर उनको वेजेस कितना मिला है, 240 रुपये का वेजेस मिला है, तो उसमें पूछा जा सकता है ए का शेयर कितना है, बी का शेयर कितना है, या सी को कितना पैसा मिला। क्लियर? अब ये देखिए आप, इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये देखना होगा किस पर्सन ने कितने दिन काम किया और कैसा और कितना काम किया है। क्लियर? तो हमने देखा ए कर सकता है 12 दिन, परंतु सी की सहायता से कितने दिन काम चला, 5 दिन, तो ए ने भी कितने दिन किया होगा, 5 दिन। तो हम ए की वर्किन फाइंड करना चाहें तो ए की वर्किन आ जाएगी 5 दिन काम किया कितने में से, 12 में से। यदि हम बी की वर्किन फाइंड करना चाहें तो बी ने 10 दिन कर सकता था परंतु उसने सिर्फ उसे 5 दिन किया सी की सहायता से, 5/10। इतना क्लियर है सबके लिए? हमने ए की वर्किन फाइंड की 5/12, बी की फाइंड की 5/10। अब इनने टोटल रुपए कितने कमाए थे, तो हमको टोटल रुपीज दिए गए हैं 240। अब जो भी पर्सन जितना काम करेगा उसी रेशियो में वो क्या ले जाएगा, अपना हिस्सा ले जाएगा। तो उसने 5/12 काम किया है, तो 5/12 के हिसाब से वो 240 में से अपना शेयर ले जाएगा।
बी ने काम किया 5/10, तो 5/10 के हिसाब से 240 में से अपना शेयर ले जाएगा। तो बी को सॉल्व करना चाहें तो 24 × 5 कितना होता है 120 रुपये, तो बी ले जाएगा 120 रुपये। यहाँ सॉल्व करना चाहें तो होता है 20 × 5 कितना 100, तो ए कितना ले जाएगा 100 रुपये ले जाएगा। अब देख लीजिए उसने सम में क्या पूछा है, ए का शेयर पूछा है या बी का शेयर पूछा है। अब यदि उसने सी का शेयर पूछा होता तो हम कैसे फाइंड करते। हमने देखा बी ले जा रहा 120, ए ले जा रहा 100, टोटल कितना चला गया 220। 240 में से माइनस कर दीजिए जो टोटल हमने इनकम की थी 240 की, 240 में से जैसे ही आप 220 रुपये को घटाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20 रुपये। इट मीन्स सी कितना शेयर ले जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये ले जा रहा है। क्लियर हो गया। तो ये पैटर्न कहा जाता है, जितने दिन हमने जितने में से काम किया है, हमने जितना काम किया होगा हम उतना ही अपना उसका शेयर मांगेंगे या वो ले जाएगा। क्लियर। चलिए यदि ये सम क्लियर है तो इसी का सेकेंड सम आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने टाइप थोड़ा सा बदल दिया है क्योंकि उसमें हमको एफिशिएंसी के बेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उनकी मजदूरी को। ये रहा सेकेंड सम। कैपिटल ए एक काम को 4 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 3 दिनों में पूरा करता है। ये एक साथ काम करके 420 रुपये कमाते हैं, इस पैसे को वे किस अनुपात में बांटेंगे और प्रत्येक को कितना शेयर मिलेगा। यहाँ पे हमको दो टाइप के सम है, उसने पूछा किस अनुपात में बांटेंगे और फिर किसको कितना हिस्सा मिलने वाला है। तो हमको दिया गया था ए और बी नाम के 2 पर्सन है। ए कितने दिनों में कर सकता है बेटा, 4 दिनों में कर सकता है, और बी कितने दिनों में कर सकता है, 3 दिनों में। ये हमको दिया है इनके द्वारा लिए गए दिन, नंबर ऑफ डेज। मैंने आपको फर्स्ट लेसन बताया था डेज का रेसिप्रोकल क्या होता है, उनकी एफिशिएंसी होती है। हाँ या ना, याद आ जाना चाहिए सभी को। तो हमने यदि इनको इंटरचेंज कह दिया, यहाँ कह दिया 3, यहाँ कह दिया 4, तो ये निकल आएगा इनकी एफिशिएंसी का क्या रेशियो निकल आएगा। याद आ गया सबको, ये हमने सीखा हुआ था। यदि टाइम दिया है तो टाइम का इन्वर्स करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, उनका एफिशिएंसी। इसका मतलब ए और बी के बीच में 3:4 के हिसाब से क्या बटेगी, उनकी मजदूरी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये हो गया तो अनुपात उनकी मजदूरी का 3:4, परंतु शेयर फाइंड करना है तो हमने देखा टोटल मजदूरी 3 और 4 कितनी होती है 7, परंतु हमको बुक पर कितनी दी गई है 420 रुपये की मजदूरी दी गई है। तो टोटल 7 हमने जो फाइंड किया है ये बुक के 420 रुपये के इक्वल है। अब ए का शेयर फाइंड करना चाहें तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा प्रश्नवाचक। इससे हमारे पास किसका शेयर आ जाएगा, ए का शेयर आ जाएगा। यदि हमको बी का शेयर फाइंड करना होता तो हमने देखा टोटल मजदूरी 7 420 रुपये के इक्वल है, तो बी का शेयर मीन्स 4 किसके इक्वल होगा। इसको हम सॉल्व करके बी का शेयर फाइंड कर सकते हैं। यदि हमने फर्स्ट को सॉल्व करना चाहा तो हमारे पास कितना शेयर आ जाएगा, 180 शेयर आ जाएगा ए का, और सेकेंड को सॉल्व करना चाहा तो हमारे पास 240 रुपये आ जाएगा बी का शेयर। आप देख सकते हैं बी को ज़्यादा पैसा मिला है, क्यों, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा मेहनत कर रहा है। अब ये ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके द्वारा लिए गए दिन ए से कम है, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेसन में एक्सप्लेन किया था। इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है क्यों, इसके द्वारा लिए गए दिन क्या है, कम है। और मैंने बताया था टाइम और एफिशिएंसी आपस में रेसिप्रोकल होती है, उस बेस पे हमने इसको सॉल्व किया है। इसी का मैं एक और सम करा रहा हूँ, वहाँ पे 3 दोस्तों की बात होगी तो उसको कैसे अरेंज करना है, अब उसको समझ लीजिए। 3 दोस्तों में हमको इन्वर्स करके एफिशिएंसी का क्या फाइंड करना होगा, पहले अनुपात, देन हम उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या सम है उसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कैपिटल ए एक काम को 4 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 3 दिनों में, नहीं 5 दिनों में, और सी 6 दिनों में। ए दिया गया है हमको जो उस काम को कर सकता है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, इनके क्या दिए गए हैं, नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं।
ए के डेज कितने दिए गए हैं बेटा? 4 दिन, बी के दिए गए हैं 5 दिन, और सी के कितने दिए गए हैं? 6 दिन में पूरा कर सकता है। क्लियर? हमको इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो मैंने कहा था तीन दोस्तों में हमेशा क्या करते हैं अपन, इनवर्स। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/4, 1/5, और ये क्या हो जाएगा? 1/6। विद द हेल्प ऑफ एलसीएम हम इनका क्या निकाल सकते हैं? अनुपात। तो 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आएगा? फाइंड करके बताइए जल्दी मुझे। 30? नहीं, कितना आएगा? 30 तो आ नहीं सकता क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है। 36? नहीं, तो कितना आएगा बताइए आप सभी। आप चाहे तो इनका मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो इसको एलसीएम किस फॉर्म से ले सकते हैं, जो मैंने सिंपल अप्रोच स्कूलिंग अप्रोच से बताया था। यदि हम कहना चाहें तो हम इनका 6×5 कितना हो जाएगा? 30, और 60 कर सकते हैं इनका एलसीएम। 4 से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा? 15। 5 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा? 12। और 6 से डिवाइड कर दिया कितना हो जाएगा? 10। तो ये आ जाएगा इनके बीच का LCM, 15:12:10। ये निकला इनके बीच की एफिशिएंसी का अनुपात, मतलब वो वेजेस को भी इसी अनुपात में बांटेंगे। अब इस अनुपात में तो बांटेंगे, पर किसको कितना शेयर मिलेगा ये भी तो निकालना है। चलिए टोटल पैसा कितना दिया, देखिए आप, टोटल पैसे हमको दिए गए हैं 740 रुपये टोटल। टोटल किया 15 और 12 कितना हो गया? 27। 27 और 10 कितना हो गया? 37। तो हमने देखा हमारी टोटल इनकम कितनी है तीनों की? 37। बुक में कितनी गई है? 740। तो मेरा डेटा बुक का डेटा कैसा हो गया? इक्वल। अब आप देखिए किसका शेयर फाइंड करना, वैसे तो हम तीनों का फाइंड कर सकते हैं, परंतु इस समय सिर्फ और सिर्फ किसका पूछा है? तीनों का पूछा है। चलिए तीनों का निकालते हैं। एक बार क्या पुट कर देंगे हम? 15। तो ये आ जाएगा ए का शेयर। यदि हमने इसी इक्वेशन में 37 = 740 और बाजू में नीचे बी का शेयर कितना 12 रखा होता, तो बी का शेयर फाइंड हो जाता 740 में। सी के लिए हम क्या करेंगे? 37 किसके इक्वल है? 740 रुपए के इक्वल है। तो इसका 10 रुपए का शेयर किसके इक्वल होगा? ये हमारे पास सी का रेंज हो जाएगा। अब हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 times कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा? 300 रुपये का शेयर आ जाएगा ए का। ये हो जाएगा 2 times कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा? 240 रुपये का शेयर बी का। कैंसिल कर दीजिए 20 times और मल्टीप्लाई करने पे 200 का शेयर हो जाएगा सी का। ए को मिले हैं 300, बी को मिले हैं 240, सी को मिले हैं 200। ज्यादा किसको मिले हैं? ए को। क्यों ज्यादा मिले हैं? इसकी एफिशिएंसी तीनों में सबसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा एफिशिएंसी बेटा? तीनों में सबसे कम दिन किसके हैं? ए के हैं, इसलिए इसकी एफिशिएंसी तीनों में सबसे ज्यादा है, इसलिए उसने ज्यादा शेयर लिया हुआ है। क्लियर? तो ये वैरायटी हो गई हमारे पास वेजेस वाली। मैं आपको एच ओ डब्ल्यू नहीं दे रहा हूँ, उसके बेस पर आपको मैंने क्या दिया हुआ आज वर्कशीट दी है, जो आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ उस लिंक से डाउनलोड करिए और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट लेसन में हम कुछ दूसरे वैरायटी के समतर करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू।